हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अलग होने वाली है। इसमें हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो आपको दिख रहा होगा इस पोर्ट्रेट में जो ऑल पोर्शंस है, जो पोर्ट्रेट पूरी कवर है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में है। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इसका एक रेक्टेंगल स्क्वायर एक एक पार्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ हार्ड शेडिंग है, कहाँ सॉफ्ट शेडिंग है, कहाँ हाइलाइट्स करें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रीन टेक्सचर हम निकालते हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं वीडियो में गाइड करता रहूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आई ड्रॉ करेंगे। तो जो इतने भी आपको शेडिंग दिख रही होगी, जो मैं आईज़ में कर रहा हूँ और जो मैं आईज़ के बाहर और जितने भी पोर्शन है जिसमें मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये मैं 4B पेंसिल की हेल्प से कर रहा हूँ। तो 4B पेंसिल जो हमारी लाइट पेंसिल होती है, उससे हम पहला कोड निकालते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फ़ोटो के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मुझे डार्क शेडिंग लग रही है और जहाँ जहाँ मुझे लाइट शेडिंग लग रही है, तो मैं और पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा, बस 4B पेंसिल की हेल्प से उसे डार्क एंड लाइट करूँगा। ये मेरा पहला कोड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी पेंसिल पर ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। और उसके बाद हम उसे चीज़ को ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। फिर जो हमारा बाहर का पोर्शन बच रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग है ये रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें शेडिंग करेंगे जिस तरीके से हम फोटो है और जो हम वर्क कर रहे हैं ये 4B पेंसिल से कर रहे हैं, क्योंकि 4B पेंसिल के बाद हम ब्लेंड करते हैं। 4B पेंसिल से जो हमारी लाइट पेंसिल होती है, तो 4B एंड 2B यही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेंसिल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला कोड कम्प्लीट हो जाता है। जो हमारी रियलिस्टिक ड्राइंग होती है वो 3 एंड 2 एंड 4 कोड में कम्प्लीट हो जाती हैं। तो हमारा जो सबसे बेसिक स्टेप है वो फर्स्ट कोड होता है। तो इसमें ही हम इस चीज़ को लुक निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट कोड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे। फिर उसके बाद ही फोटो के अकॉर्डिंग जो जहाँ हमें डार्क लगेगा ज़्यादा, तो 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और थोड़ा उससे लाइट लगेगा तो 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो आईज़ जो बोल होती है, हमारी आई बोल ही सबसे डार्क होती है, तो सबसे पहले 10B पेंसिल का यूज़ करा, और जहाँ हमें डार्क दिख रहा है उसके बाद हम 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और थोड़ा लाइट दिखेगा तो हम वहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट कोड है कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा सेकंड कोड चल रहा है। तो जो जो बेसिक स्टेप्स है, जहाँ डार्क है जहाँ लाइट है, तो हम वो फर्स्ट कोड की हेल्प से निकाल लेंगे। तो हमें उससे पता चल जाता है कि कहाँ हमें हार्ड शेडिंग करनी है और कहाँ सॉफ्ट शेडिंग करनी है। बस हमें शेडिंग करते हुए ध्यान ये रखना है कि जो हमारी पेंसिल है उस पर हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। जहाँ पेंसिल हमारी जिस डायरेक्शन में चल रही है, और हमें बिल्कुल प्रेशर उस पर लगाना ही नहीं है। जैसे चल रही है ऐसे चलने देना है, जब भी हमारा रियलिस्टिक लुक आ सकता है। और जैसे कि आपको बियर्ड दिख रही होंगी, मैं बियर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए मैं शेडिंग कर रहा हूँ और जो बियर्ड है वो इजीली निकल के आ रही है वाइट कलर की। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि हम वाइट बियर्ड किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वाइट बियर्ड ड्रॉ करने के लिए या तो आपके पास कोई खाली पेन हो जो जिसमें इंक जो है उसकी रिफिल ख़त्म हो चुकी हो, तो आप डार्क प्रेशर लगा के कर सकते हैं, और जब आप उसके ऊपर शेडिंग करेंगे तो वाइट हेयर्स इजीली निकल के आ जाएंगे। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आप वाइट जेल पेन से वो हेयर्स इजीली निकाल सकते हैं। और जब भी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लास्ट जो हमारा कोड था, इसके बाद हमारा बस
उसके बाद हम ब्लेंडिंग कर देंगे। इसके बाद हमारा हाईलाइट कोड बचेगा। हाईलाइट मतलब जैसे आपको देखता होगा कि हमारे फेस पे कहीं कहीं लाइट शो होती है, तो उस लाइट को निकालने के लिए मोनोटोम्बो जीरो इजर आती है, तो उसकी हेल्प से हम उस लाइट को निकालेंगे। कहीं कहीं फेस पे आपको दिखता होगा कि हमारा फेस जो पोर्शन है तो उसमें लाइट लाइट शो करती है, तो इससे हमें रियलिस्टिक वर्क निकल के आता है। उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट्स करने थे तो उसके साइड साइड में हम थोड़ा बहुत पेंसिल लगा चला देंगे, जिससे कि लगे कि ये रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है। और जो हेयर्स है हमारे, आपको दिख रहा होगा कि ब्रशिंग के बाद थोड़े दबे दबे टाइप से हो गए, तो जो आपने देखा ये वाइट जेल पेन था, तो इससे हम हेयर्स वो निकाल देंगे। और जो हमारे बाहर का पोर्शन रह गया था तो उसमें भी इस तरीके से करेंगे हम 8 मिनट से पेंसिल से, और उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे।